हाँ जी, आप कौन सा प्रकरण, कौन सी घटना घटी जिसको लेके आप इतने परेशान हैं? कभी थाना, कभी किसी पॉलिटिकल लोगों के पास, कभी पत्रकार के पास, क्या घटना है? सर, मैं आरजी कुरनिया का रहने वाला हूँ। राजी बैरिया में हमारी खेती का काम हो रहा था। मैं वहाँ पे मड़ई डाल के रहता हूँ। हमारी गाय, हमारी परिवार साथ में। सर, 25 तारीख को हमारी गाय चरने के लिए गई 3 बजे, पर गाय वापस नहीं आई। हमने 26 को जो है ढूंढने के लिए निकला। ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ा सर इब्राहिम के खेत की तरफ, तो हमारे राजेश के भाई जग्गू मिले। जग्गू जी बोले, चाचा हमारी भी गाय नहीं मिल रही है। हम लोग दोनों मिलकर गाय ढूंढते ढूंढते इब्राहिम के खेत के पास पहुँचे। वहाँ एक झाड़ी है, झाड़ी के पास में हमारे गाय का सर कटा हुआ और जग्गू के गाय का भी सर कटा हुआ मिला। तीनों गाय का सर मिला सर वहाँ पर। हम लोग ने थाने पे इतला किया। थाने से पुलिस पहुँची, मुआयना किया, डॉक्टर पशु आए, उसकी इंक्वायरी की, लिख पढ़ करके ले गए। वहाँ पे अरमान और सिद्धू दो को बुला करके पूछताछ किए, साथ की पुलिस लेकर के गए और उनकी चालान कर दी गई। साथ इस कार्रवाई को एक हफ्ता बीत गया, अभी तक हमको कोई सूचना ऐसा नहीं मिली क्या काम हो रहा, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उसमें इब्राहिम के इशारे पर उनका लड़का मिस्टर और आफ्ताब कुरैशी, माजिद मोहम्मद, साकिब सोनार, समीप रोजा दर्दा और दो साथी जो पकड़े गए हैं अरमान और सिद्धू, वो लोग मिल करके हमारी गाय को काट करके पिकअप और पल्सर गाड़ी पे उठा ले गए। और इसकी सारी सूचना हमने पुलिस दल प्रताप सिंह को हमने दिया। घटना के इतने दिन बाद भी बुजुर्ग खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक हफ्ता से ऊपर हो गया है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। तो बहुत घिनौना काम कर रहे हैं, अपराध खुलेआम घूम रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं। और इधर एक बोरिया में चमड़ा पूरा भर के रखा हुआ है, इधर हम लोग उसको छुए नहीं है साहब। ये रहा साहब, सब चमड़ा भरा हुआ है। नारायण, ये सब वीडियो बनाओ। इधर देखे साहब, चार टू घोड़ा है, गाय का घोड़ा इधर है। अरे हाँ, साढ़े बारह मैंने कहा था रुक जाइए, आप लोग यहाँ पास रुको कर लीजिए।
हाँ किसका? इब्राहिम। इब्राहिम बार क्या नहीं है? पिकअप 12:30 बजे तक नहीं आई। बस काम हमने चाहिए।